आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें ग्रीन टी बेहद पसंद है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी स्किन को क्लीन बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, यंग बनाना चाहते हैं और खूबसूरत बनाना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि खूबसूरत स्किन वाले वही होते हैं जिनकी स्किन टोन सफ़ेद होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने अपने कैमरे का फिल्टर भी ब्लैक एंड वाइट रखा है, क्योंकि मैं ये आज बताना चाहती हूँ कि हर स्किन टोन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, चाहे आपका रंग फेयर हो या डार्क हो या लाइट हो, जैसा भी हो। पर अगर आपकी स्किन क्लीन है तो आप खूबसूरत है, अगर आपकी स्किन यंग है तो आप खूबसूरत है, अगर आपकी स्किन पे कोई दाने नहीं है, कोई दाग धब्बे नहीं है, तो आप खूबसूरत है। जी हाँ, तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे रखें, खूबसूरत कैसे बनाएं, यंग कैसे रखें। जी हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक ब्यूटी हैक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहद अच्छे हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, हेल्दी हैं, पॉजिटिव माइंड है, और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें। और अगर कोई नया मेरे चैनल को देख रहा है तो वो मेरे चैनल पर चेकआउट जाके कर सकता है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, अगर आपके लिए कोई भी मेरी वीडियो हेल्पफुल होती है, बेनिफिशियल होती है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर करें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि जो भी मैं फ्यूचर में वीडियोज़ डालूँ वो आप लोग तक पहुँचे और आप लोग उन सभी वीडियोज़ को देख के आप अपने स्किन का, अपने हेयर का, अपने हेल्थ का और ज़्यादा ख्याल रख सकें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक स्किन टोनर बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर जाके देखिए। और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए और नॉलेज गेन करिए और अपनी स्किन को आप खूबसूरत बनाए। जी हाँ, हमें पता है कि बढ़ती उम्र के साथ हमारे चेहरे पे एक एज दिखने लगती है, एक हमारा चेहरा सिकुड़ने लगता है, हमारे चेहरे पे फाइन लाइन्स आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं और हमारा जो चेहरा है वो बूढ़ा होने लगता है। जी हाँ, क्या आपने कोरियन लोगों की स्किन देखी है, उनकी स्किन पे जो है वो किसी भी एज में आप देख लो, उनकी स्किन पे एक ग्लो होता है, उनकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा यंग रहती है। आप भी जानना चाहते हैं कि उनका ऐसा ब्यूटी सीक्रेट क्या होता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर करें सब्सक्राइब और वीडियोस को ज़रूर करें लाइक। वैसे तो वो बहुत कुछ अप्लाई करते हैं अपने चेहरे पे, काफ़ी इंग्रेडिएंट, काफ़ी होम रेमेडीज़ भी वो अप्लाई करते हैं, और उनमें एक जो सीक्रेट बताया गया है वो है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन हमारे चेहरे को वो एंटी एजिंग बनाता है, हमारे चेहरे पर वो एक ग्लो लाता है, हमारे चेहरे पर जितने दाने होते हैं, जितने दाग धब्बे होते हैं, उन्हें वो रिमूव करता है और हमारे चेहरे को मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो यंग रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद भी करता है। तो अब अगर आपका सवाल ये है कि हमें ग्रीन टी को कैसे यूज़ करना चाहिए, ग्रीन टी को आखिर यूज़ कैसे करते हैं, तो आइए मैं बताती हूँ कि हमें ग्रीन टी को कैसे यूज़ करना चाहिए। वैसे तो ग्रीन टी को आप काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं, उसे एज अ टोनर, एज अ मास्क, एज अ फेस पैक, एज अ क्लिनजर, काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी लास्ट की वीडियो में टोनर की वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी, आप वो भी जाके देखें। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ फेस मास्क। जी हाँ, तो हमें यहाँ सबसे पहले लेना है 1 TPS आटा, जो हर घरों में अवेलेबल होता है, हर किचन में होता है और ये हमारी ब्यूटी का राज भी है। जी हाँ, तो मैंने यहाँ 1 TPS आटा लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ एक मैंने वैली का पाउच लिया था ग्रीन टी का, मैंने अच्छे से ग्रीन टी को उसमें से निकाल दिया था और मैंने मिक्स कर दिया था। उसके बाद हमें लेना है यहाँ 1/2 TPS हनी। जी हाँ, उसके बाद लेना है रॉ मिल्क, हमें रॉ मिल्क उतना लेना है जितने में ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए। जी हाँ, तो मैंने इस तरीके से इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं अपने फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, हमें इस तरीके से अप्लाई करना है। मैं अच्छे से अप्लाई करने के बाद जब ये सूख जाए उसके बाद हमें इसे पहले अपने हाथों से हटाना है, उसके बाद हमें अपने चेहरे को क्लीन कर देना है क्लीन वाटर से। उसके बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, बेहद ही कमाल का अमेजिंग रिज़ल्ट मिला। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारी ब्यूटी का राज कहीं नहीं, हमारे किचन में ही होता है। आप किचन को जाए, इंग्रेडिएंट को देखिए, इनके बारे में अच्छे से पढ़े, अच्छे से जाने लो, अच्छे से जाने, उसके बाद आप अप्लाई करें, आपको बहुत कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर करें सब्सक्राइब और इसी तरीके की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप लोग के पास पहुँच सके और आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकें। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।